की पुरानी नशा उतना होगा ज्यादा, और मैदान पर जब होंगे बब्बर सर खिलाड़ी तो दर्शकों को उतना आएगा मजा। एक तरफ देखिए भूमि लेवल स्मार्ट अश्विन की गेंदबाजी ताकतवर स्टैंड माना जाता है, और दूसरी तरफ बात करेंगे तो यहां से अंपायर देखिए सिग्नल ला, वेद इलेवन देखिए दानवे टीम पालघर से देखिए क्या लंबा सफर तय करके आए हैं, ज्यादा भी लंबा नहीं है लेकिन फिर भी यजमान नहीं मेहमान के रूप में ये माने जाएंगे। दोनों टीम देखिए मेहमान टीम है। जगन नाना देखिए पाटिल देखिए गया कल्याण टिटवाला टेनिस क्रिकेट के अधीक्षक ने एक दिल के इंसान है बहुत बढ़िया और दो नजर, और जिनके माध्यम से देखिए आने वाला चार से लेकर सात तक टिटवाला विभाग के मजबूत टूर्नामेंट से बहुत बहुत स्वागत है। और टॉस जीतने की बात करेंगे तो यहाँ से वह दिल्ली धानवी टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग चुने हैं। ये चलिए भाई पालघर एक्सप्रेस कह सकते हैं, और पहली गेंद के ऊपर देखिए दे दिया एक प्यार सा तोहफा, बहुत बढ़िया मुकाबला होगा दो मेहमान के बीच में यहाँ पर है, इसलिए तो कहा भाई शराब जितनी होगी पुरानी नशा उतना होगा ज्यादा, और मैदान पर जब होंगे बब्बर सर खिलाड़ी तो दर्शकों को उतना आएगा मजा। बहुत बब्बर सर यहाँ आने वाले हैं अभी तो, ये दोस्तों टेलर है पिक्चर पूरी बाकी है। ये क्या हो गया भाई तोहफा दिया था यहाँ पर, एक मौका था और उस मौके को भी गंवाते हुए यहाँ पर है। अरे सुबह सर बात करेंगे ना, कहते ना दिल का दरिया कभी समंदर भी होता है। चलिए कॉल किया गया था निश्चित रूप से उनकी टीम को यहाँ पर वीर तनाजी दापोड़े टीम देखिए यहाँ पर खिलाड़ी उपस्थित हैं, तभी निकलते समय भी उन्हें बताया गया था, लेकिन इस चीज के ऊपर गौर रखना होगा अगला मैच आपको खेलना है। आखिरी मैच देखिए यहाँ पर, और सुभाष सर बात करेंगे ना, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक दिन में अगर टीम आती है एक लॉट से तीन मैच खेलकर जाता है तो उन्हें दिक्कत नहीं रहता है दोबारा इतना लंबा सफ़र तय करना, कहीं टीम परेशान हो जाते हैं एक मैच खेलकर जाना फिर दो दिन के बाद आना। निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत अच्छी सोच है आयोजन कमेटी के, कहते हैं दादा तेरे देखिए जहाँ पर रहे तो फिर ठंडे दिमाग से बढ़िया काम लेते हुए। और सुबह गुड मॉर्निंग से पहले देखिए हमारे सुभाष धुमाल सर इनका अपडेट आ जाता है, राष्ट्रवादी चषक में क्या कुछ हुआ, कौन सी टीम है, तीन मैच जीते दूसरा मैच जीते एक जीते सब कुछ है, नतीजा हिस्ट्री आ जाता है। चलिए हमारे मयूर जी मड़वी निश्चित रूप से जानकारी दे रहे हैं, दापोड़ टीम भी शायद यहाँ पर उपस्थित है वो जानते हैं। ये चलिए हल्के हाथों से खेले यहाँ पर और आंखों ही आंखों में देखिए यहाँ पर रन चुराते हुए, इसे कहते हैं दिल मेरा ले गई लूट के, भाई चोरी चोरी नहीं यहाँ पर खुल के व्यान एंटरप्राइजेस के देखिए बात करेंगे ओनर से तेजस तरे साहब देखिए इनकी तरफ से यहाँ पर विश्वनाथ की देखिए बात करेंगे हैट्रिक के लिए 1000 क्या बात है यहाँ पर। हाँ बहुत बढ़िया देखिए गति लाइन पकड़कर गेंदबाजी कर रहे हैं, इनाम भी देखिए इनके सर पे लग चुका है। और सुभाष सर मैं हमेशा कहता हूँ कि घर की दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने से सफलता नहीं मिलती है, खुद की पैरों पर घोड़े की नाल लगानी पड़ती है, और विश्वनाथ ने अभी तक देखिए खुद की पैरों पर घोड़े की नाल लगाई और पहली ओवर देखिए मैंडेटरी पावर प्ले, ओहो चिंगो चिंगो क्या कंजूसी गेंदबाजी देखिए, चार रन खर्च किए और कोई सफलता नहीं, मिट्टी से घी निकालने वाली बात हो गई। चलिए ज्यादा टीम मीटिंग मत कीजिए, और निश्चित रूप से देखिए ग्रामीण मैच में बात करेंगे ना ये शॉर्ट टीम मीटिंग बहुत लिया जाता है, हमेशा प्लानिंग देखिए मुझे लगता है कुछ घर से भी प्लानिंग करके आते हैं मैदान से बाहर भी जब रहते हैं होता है चर्चा फिर भी अंदर ले आकर है, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण में बात करेंगे ना सिर्फ एक कप्तान की रणनीति नहीं चलती है उसके साथ पूरी टीम की, इसलिए तो कहता हूँ जब ग्रामीण मैच रहता है ना हम जिनके करीब रहते हैं उनका जिक्र कर लेते हैं लेकिन पूरे गाँव आपके साथ रहता है, चाहे टी वी पर लीजिए चाहे घर पर लीजिए चाहे मैदान पर लीजिए। डगआउट देखिए बहुत बढ़िया देखिए खिलाड़ियों के लिए डगआउट है एक हवेली के जैसे निश्चित रूप से, इस तरह की देखिए सुभाष धुमाल सर क्या आपको लगता है डगआउट जिस तरह से बना है मुझे लग रहा है जो अक्षय कुमार की सॉन्ग थी ना टिप टिप बरसा पानी, रवीना टेंडन देखिए बात करेंगे पूरी करियर में इतना सुपर डुपर नहीं हुई थी उस गाने से जितना सुपर हुई थी, तो चलिए टोटल
टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंचा यहाँ पर 8 रन भाई, और अभी तक रन नहीं आ रहा है, तेज दूर से खेलने की कोशिश है। भूमिलन माढ़ा टीम देखिए, मैंने यही बात कहा, इस टीम ने अगर एक बार अच्छी टोटल सेट कर लिया ना, फिर इनके पास जो गेंदबाजी की स्ट्रेंथ है, ताकत है, ये मुश्किल में डाल सकते हैं। निशान देखिए, इस टीम के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हल्दी के कारण पहले मैच खेले और दूसरी मैच में नहीं दिखे, यही कारण रहता है, इसलिए तो दर्शकों का भीड़ भी यहाँ पर कम। हल्दी शादी का समय चलता हुआ, और यहाँ से देखिए बात करेंगे, पहला विकेट यानी यादव की सौगात लिया, दुआ की बरसात लिया, लाख कोशिश के बाद दूसरा विकेट। कधी बॉलर हॅट्रिक वरती, कधी फिल्डर ने केली कमाल, चित्त्या तारका मारून झेप, ड्राइव्ह मारून घेतला। तो चलिए, पहला विकेट गिर चुका है यहाँ पर, बहुत बढ़िया। देखिए, देर रात हो चुका है, सुबह सर माहौल ऐसा लग रहा है, देखिए कुछ भोंगा की आवाज निश्चित रूप से आ रही है, श्रीलंका कोलंबो में जैसे बैठकर मजा ले रहे हैं, लग नहीं रहा एक समय के, क्योंकि जो आयोजन कमेटी ने बहुत मजबूत, देखिए पूरी तरह से यहाँ पर महफिल जमाए रखे हैं, ऐसा लग रहा है शाम का जाम शुरू है। क्या बढ़िया गेंद देखिए भाई, केले के जैसे गेंद मुड़ता हुआ गया विकेट कीपर के पास, और ये गेंद को खेलना है तो फिर छिलका निकालना होगा, जगह पर खड़े होकर नहीं, यही तो बात कहा था कि घर के दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने से सफलता नहीं मिलती है, खुद की पैरों पर। और ये चलिए भाई, हवा में गेंद, फील्डर गेंद के नीचे आ गए, और एक यहाँ पर विकेट गिरता हुआ यहाँ पर। सुभाष सर जैसे कहते ना, तेरी जुल्फों में खो जाना चाहता हूँ, पर तू तो तेल इतना लगाती है, मैं हर बार फिसल जाता हूँ। जब भी यहाँ पर बड़ी हिट खेलने जाते हैं, तब तब देखिए यहाँ पर बल्लेबाज फिसलते हुए। कधी बॉलर ला पुटलाय काम, विकेट घेऊन करतोय कार, एंड कंटिन्यूस। कधी बॉलर हॅट्रिक वरती, कधी फिल्डर ने केली कमाल, चित्त्या तारका मारून झेप, ड्राइव्ह मारून घेतलाय झेल। सुभाष सर देखिए, मैच कैसे यहाँ पर दूसरा विकेट गिरता हुआ, बड़े हिट जब खेलने गए, इसलिए तो कहा के भाई तेरी जुल्फों में खो जाना चाहता हूँ, पर तू तेल इतना लगाती है कि मैं हर बार फिसल जाता हूँ। जो वेरिएशन गेंदबाजी में दिख रहा है ना, वहां से बल्लेबाज फंस रहे हैं कहीं ना कहीं, लाजवाब। तो चलिए, फिर भी देखिए यहाँ पर उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, संघर्ष नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं ना, दुनिया माने जोरों का, कोई ना माने कमजोरों का, जोर तो आपको दिखाना होगा। और ये चलिए, समझ बुझ का क्रिकेट, थोड़ी सी हल्की हाथों से गेंद को खेले यहाँ पर, जानते हैं यहाँ पर एक अच्छा टोटल तक पहुँचना जरूरी है, एक लो फाइटिंग टोटल तक भी पहुँचना जरूरी है। दो ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, और दो ओवर के बाद स्थिति देखिए पहुँचा है यहाँ पर, जैसे धीमी पैसेंजर ट्रेन चल रही है, उसी तरह से यहाँ पर चल रहा है ये गाड़ी। 9 रनों तक पहुँचा है, लेकिन अभी भी देखिए आने वाला 18 गेंद बचा है, कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट दोस्तों अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, कहते हैं ना क्रिकेट ऐसा रंग बदलता है, कभी कभी हमें गधे और घोड़े को भी पहचानना मुश्किल हो जाता है। अभी तक तो बात करेंगे, यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है, लेकिन आने वाला 18 गेंद क्या कुछ बताएगा डीजे। कोणी मारले गगन चुंबी, एका पाठ पाठ षटकार, कधी बॉलर ला पुटलाय काम, विकेट घेऊन करतोय कार, एंड कंटिन्यूस। कधी बॉलर हॅट्रिक वरती। सचिन पाटील दापोडे आणि सत्यधरे अंजरो दोघांना विनंती असेल की आपण व्हीआयपीत येऊया, आपलं राष्ट्रीय चषक 2022 मध्ये हार्दिक स्वागत आहे। चलिए यहाँ पर बात करेंगे शॉर्ट सिलेक्शन, देखिए अभी तक वो बेहतर देखने को नहीं मिला, लेकिन वीर तानाजी दापोडे टीम देखिए बात करेंगे, पिछली मैच क्या बढ़िया जीत की अंतिम गेंद। और ये चलिए यहाँ से 1 बाउंस का यहाँ पर वार्निंग मिलता हुआ, हमारे सत्य दादा तरीश सर देखिए, सचिन पाटिल सर देखिए, दापोडे देखिए, और उनके साथ देखिए हमारे जीतू दादा तरे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसलिए तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर सुबह होने जा रहा है, हमें लग नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि शाम का शुरुआत हुआ है, इस तरह के हस्ती देखिए तस्वीर रखते हुए।
कहते हैं ना कामयाबी की दरवाजा उन्हें के लिए खोलता है जो उसे खटखटाने की ताकत रखते हैं। हल्के हाथों से खेले यहां पर एक रन, बहुत बढ़िया। देखिए आंखों आंखों में यहां पर दूसरा रन भी मुकम्मल करते हुए, अभी तक देखिए रन नहीं आ रहा है। इसके कारण देखिए जो शॉट सिलेक्शन बल्ले से अभी तक गया, शुरुआत में बेहतर नहीं। अभी यहां से देखिए सिंगल डबल तो बहुत बढ़िया आ रहा है, लेकिन सिंगल डबल से देखिए मैंने यही बताया था ना कि कौवा कितना मर्जी वो सिंग में सिंग से नहा ले भाई, वो सफ़ेद नहीं दिखेगा। सिंगल डबल से कितनी भी कोशिश कर लो आप, 40-45 वाइट का इजाफा एक्स्ट्रा से एक रन। कहते हैं ना दो दिन की दावत से आप मजा ले सकते हो, लेकिन ज़िंदगी भर नहीं, एक दो वाइड गेंद से आप कुछ सुकून आपको मिल सकता है, लेकिन मंचिल नहीं। ओहो क्या आवाज है भाई, बहुत बढ़िया। मुझे तो लगता है इन्हें दिवाई पाटिल पर रोज होना चाहिए, बहुत बढ़िया होगा कि आवाज़ देखिए यहाँ पर देते हुए। कुछ इस टूर्नामेंट में देखें चार चांद लगा रही है। देखिए हमारे छोटे से नन्हे हैं यहाँ पर भाई, बिगड़ गए हैं ये, जब से कोविड आया ना बच्चे लोग बिगड़ गए हैं। लंबा छुट्टी मिला और जब स्कूल शुरू हुआ तो पेट में दर्द सर में दर्द, लिटकट खेल रहे थे खली के रीजन पर। फील्डर देखिए यहाँ पर, ओ क्या छोटा है यहाँ पर, एक रन मिला। हल्के में नहीं लेना चाहिए यहाँ पर, मैंने यही बात कहा, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ थोड़ी सी अटैकिंग बल्लेबाजी करना चाहिए। वेन इंटरप्राइजेस चे प्रो प्लेयर तेजीजी तरे यांच्याकडून प्रत्येक विकेट हॅट्रिक साठी 1000 रुपयाचा पारितोषिक जाहीर झालेला आहे, गोलंदाजांना सोड संधी आहे। क्या बात है तेजस तरे साहब, सुभाष सर इसे कहते हैं वाइट का इजाफा, के उल्फत में जो सर कटाए उसे सरदार कहते हैं और जो मैदान के बाहर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाए उसे खलनायक कहते हैं। हमारे तेजस तरे साहब देखिए, इसलिए तो कहता हूँ ना हमारे पास कोई ICC BCCI आज इंडियन प्रीमियर लीग चला है। आज हमारे पास देखिए तेजस दादा तरे, खेतन दादा तरे, देखिए सुनील दादा घरत, आयोजन कमेटी और हमारे सबके लाडले सबके प्यारे देखिए बालिया मामा, आज ये रात चमक रहा है। रन नहीं आ रहा है, शॉट सिलेक्शन देखिए अभी तक गेंद बल्ले पर सही तरह से नहीं आ रहा है। इसलिए तो सुभाष सर मैं कहता हूं कि जिंदगी में अगर महान खिलाड़ी बनना है ना, देर रात तक चैटिंग करने से गुरु शॉट सिलेक्शन पर फोकस कीजिए। लेकिन हमारे आजकल के नौजवान सुनते कहाँ हैं, चैटिंग पे चैटिंग करते रहे हैं। सुभाष सर एक जगह नहीं, कभी कभी चार जगह चैटिंग करते रहते हैं और कहते हैं जानू मेरी टाइपिंग स्लो है। भाई सचिन रमेश तेंदुलकर ऐसे 34,357 रन नहीं बनाए हैं। मैग्राथ के सामने कैसा करना है, सेनवान के सामने कैसा करना है, ये देर रात में वो सोचते हैं, नींद उड़ाते थे तब जाकर अच्छे खिलाड़ी बने थे। और ये हमारे नौजवान आजकल देखें शॉट सिलेक्शन के बारे में नहीं सोचते हैं, चैटिंग पे चैटिंग। और चलिए बात करेंगे यहाँ से हमारे टेनिस क्रिकेट .in लाइव, बहुत बढ़िया मुस्कुराते हुए भाई, आपकी यही मुस्कान तो हमने अभी तक तो दिल दिया है। अगर ये प्यार हमारे साथ ऐसा रहा तो जान भी आपके हथेली में रख देंगे सुभाष सर। शायद मुझे टोंडरी टीम देखिए मेरा नज़दीक पूरी सामने देखिए, उनके साथ आसानी से पहुंच सकता था, लेकिन जिस इस प्रतियोगिता में जो प्यार मिला निश्चित रूप से इस प्यार ने मुझे मजबूर कर लिया कि रुक जाइए अभी तो शाम बाकी है। लेकिन यहाँ से देखिए अंतिम 12 गेंद बचा है, कहते हैं ना जनाजा है आसिक का जरा आहिस्ता उठाना और बचा हुआ 12 गेंद के पर अपना 10 का दम दिखाना, क्योंकि रन बनाए अभी तक 16 और कुछ गेंदों से देखिए रन नहीं आए हैं। सुभाष सर कहते हैं ना इंसान पाउडर लगाते हैं नहाने के बाद, ये भूमि इलेवन माडा टीम बाउंड्री कब लगाएंगे, क्या मैच समाप्त होने के बाद, क्योंकि तब कुछ नहीं रहेगा। जो भी करना है आपको यहां से, यहां पर दिल में आंधी ले लीजिए, तूफान ले लीजिए। एक्रॉस द लाइन देखिए ऐसा नहीं, बल्लेबाज कोशिश कर रहे हैं खेलने की लेकिन मुश्किल में आते हुए। क्या बात है यहाँ पर देखिए मैच की मचा ले रहे हैं हमारे RCC पेट के, देखिए सोहेल से कप्तान 45 रनों का इनिंग, इस मैच के मैन ऑफ द मैच बने थे और बड़ी बेताबी हैं, बेसब्री हैं इस मैच में, शायद
एक नवंबर के बाद उनके टीम यहां पर आएंगे। केतन दादा से जिक्र हुआ, तो चलिए बात करेंगे यहां पर। बहुत बढ़िया, देखिए नाइट के किंग माने जाते हैं रायगढ़ के, देखिए आरसी से पेट कहा जाए तो। तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे, रन नहीं आ रहा है और नाखुश रहेंगे हमारे जगह नाना। देखिए बात करेंगे, जानते हैं उनके पास गेंदबाजी स्ट्रेंड है लेकिन बल्लेबाजी थोड़ा सा, रन आना बहुत जरूरी हो गया है। और मुझे लगता है कोरोना के बाद यही आया है चौथा। अरे ये चलिए भाई आखिरकार देखिए यहाँ पर चौका आता हुआ, देर से आया लेकिन देखते हैं कितना दुरुस्त आता हुआ। टोटल की बात करेंगे चौके के साथ टोटल कहाँ पहुंच गया, 20 रन कम से कम, देखिए 35 तक भी पहुंच जाए ना, एक लो स्कोरिंग फाइटिंग टोटल कभी कभी हो जाता है जिसके बारे में हम कभी सोचते नहीं है। चलिए कैमरा मैन भी देखिए वहां तक पहुंच रहे हैं, कैमरा पहुंचे तो और तेज बजाएंगे। बहुत बढ़िया आवाज, हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश कर रहे थे यहां पर, लेकिन देखते हैं यहां पर हेलीकॉप्टर उड़ा तो नहीं है लेकिन नीचे से चौका फिरार होता हुआ। क्या बात है पालिया मामा, देखे एक नंबर निश्चित रूप से, कहते ना सिकंदर हालत के आगे नहीं झुकता, ताला टूट भी जाए जमीन पर नहीं गिरता। भाई गिरते हैं हजार दरिया जाकर समंदर में, क्योंकि समंदर जाकर किसी दरिया में नहीं गिरता। और ये टूर्नामेंट निश्चित रूप से समंदर इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। पहली मरतबा तीस बाइक देखिए फोर व्हीलर्स, और ये चलिए भाई यहाँ पर और एक आता हुआ दे दनादन चौका, लाजवाब, यहाँ पर रनों की जरूरत थी यहाँ पर। और ये काम देखिए यहाँ से करते हुए फटा पोस्टर निकला हीरो फहीम के बल्ले से, देखिए यहाँ पर आता हुआ तीसरा चौका, देर से आए लेकिन दुरुस्त आते हुए। चौथा ओवर चल रहा है, कुल स्कोर देखिए 28 तक, 40 तक पहुंच गए तो मैंने यही बात कहा इनकी गेंदबाजी। फहीम देखिए बता रहे हैं भाई, इसलिए तो कहता हूं सुभाष सर कि आजकल कब्रिस्तान पर मुर्दों को छोड़िए जिंदों को भी दफनाया जाता है, और टेनिस क्रिकेट में पहला दूसरा छोड़ दीजिए भाई, आठवां दसवां नंबर का बल्लेबाज भी चौका छक्का लगा लेता है। इसलिए तो कह देना जो है दिल में उसे बताकर देखो, चाहत को अपने सीने पर लगाकर देखो, कदमों का इस्तेमाल। लेकिन इस बार देखिए कहते हैं ना बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी। क्या बात है, कितनी मेहनत करके भोंगा बजा रहे हैं भाई, कोई तो जरा इन्हें रुको। ओहो हो, बजाने की स्टाइल भी देखिए, ये देखिए हमारे टेनिस क्रिकेट वहां पहुंच गए हैं। जीतू तरी खूब एंजॉय करता ना, बजाते रहो। तो चलिए अभी आप बजा रहे हो ये तो आपको पता नहीं चलेगा, सुबह आपको पता चलेगा। जितना ताकत लगाने का लगा दीजिए भाई। तो चलिए बात करेंगे, फहीम ने कुछ समय के लिए अपना काम थोड़ी सा आसान बनाकर गए हैं, एक जो हम लो फाइटिंग टोटल तक बात कर रहे थे ना सुबह सर, वहां तक पहुंचने की एक उम्मीद दे दिया है। जैसे कहते हैं ना बारिश को तो छाता रोक नहीं सकता है लेकिन बारिश में खड़े होने का उम्मीद देता है, और ये स्कोर देखिए एक उम्मीद देगा कहीं ना कहीं। लेकिन आखिरी अंतिम अंतिम छह गेंद के पर क्या रन जोड़ेंगे। चलिए यहां से एक डॉट गेंद निकलता हुआ भाई, डॉट गेंद कम खेलना होगा आपको,
कहते हैं ना, समंदर की लहर चाहे जितना ऊपर उठे कभी आसमान नहीं छू सकता। आप सिंगल डबल से कितनी भी कोशिश कर लो आपको मंजिल नहीं मिल सकता। 28 रन। और ये चलिए भाई, पल्लू शॉट खेलना चाहते थे और यहाँ पर आसान नहीं रहता है भाई। फेम ने कुछ समय के लिए देखिए अच्छा इनिंग खेल के गए, लेकिन उसके बाद देखिए फिर से निराश होते हुए। और गेंदबाजी की बात करेंगे, गेंदबाज अक्षय देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हुए। स्लो ओवर में गेंदबाजी के लिए आए हैं और आसान नहीं रहता है स्लो ओवर हमेशा। और ये चलिए हवा में खेने, अक्षय को यहाँ पर मिलता हुआ सफलता। और बता दिए भाई, ना हम दिलीप कुमार, ना हम अमिताभ, ना हम किसी हीरो के बच्चे, हम हैं सीधे साधे अक्षय। अक्षय पब्लिक सारी फिदा, टेनिस क्रिकेट सभी छोड़ दो राम जी, नटवादी चषक का एक नंबर, चल जगत से जिला भर, पाल मत कम गई ले दमदार, चल जगत से जिला भर। थैंक यू डीजे। तर पुढील सामना आपल्याला पाहायला मिळालेला आडे ओले विपक्ष विकास एंटरप्राइजेस वीर तानाजी दापोडे या दोन संघामध्ये। तर विकास एंटरप्राइजेस वीर ताना दापोडे संघाचा संघ नायक आणि आडे ओली संघाचा संघ नायक। आपण टॉससाठी आमच्या टॉस बॉक्समध्ये रिपोर्ट करायचा आहे। सुभाष सर, कोई बल्लेबाजों ने एक लंबा इनिंग्स नहीं खेल सके, इसके कारण है स्कोर देखिए 29 के ऊपर रुका है। जैसे कहते हैं ना, बचपन का पैंट जवानी में फिट नहीं होता। सुभाष सर आपने भी नहीं पहने होंगे, बचपन का पैंट जवानी में फिट नहीं होता। एकाक चौके छक्के लगाने से कोई केल या जॉस वॉटलर नहीं होता। जॉस केल बनने के लिए आपको लंबा इनिंग्स खेलना पड़ता है और वो इनिंग नहीं दिखाई दिया, इसलिए थोड़ा सा कारण है यहाँ पर। लेकिन कोई बात नहीं, देखिए आपको यही सोचना होगा, मैंने पहले ही बताया था कम से कम 35-35 भूमि इलेवन मांडा टीम। देखिए इस बार बात करेंगे ना, रायगढ़ चैंपियंस ट्रॉफी में देखिए खिताब जीत कर आए, बहुत बढ़िया टीम है। देखिए रायगढ़ में भी जाकर अपना जलवा दिखाएं, टिटवाला में भी इनके जलवा रहता है, कल्याण लीजिए, करजत लीजिए। लेकिन आज भी देखिए पहला मैच बहुत बढ़िया जीते। इस मैच में देखिए अभी तक देखिए ये बता रहे हैं भाई, हमारे शरीर की हड्डियों से जितना मांस निकालना है निकाल लीजिए, हम इतने आसान से हार नहीं मानेंगे। आता हुआ 4 रन। बिल्कुल बिल्कुल बालिया मामा, देखिए कहते ना जिंदगी में ऐसा काम करो लोग आपको टीवी पर देखे, सीसीटीवी पर नहीं। आज हमारे सबके लाडले। और ये चलिए भाई, देखिए क्या आवाज भोंगा की हो रही है, जैसे कहते ना बाबा तेरी ये जवानी मेरा पीछा ना छोड़े। और ये आवाज पीछा नहीं छोड़ेगा इस टूर्नामेंट में। बहुत बढ़िया सुभाष सर, स्कोर की बात करेंगे 34। आडे ओली विपक्ष विकास एंटरप्राइजेस वीर ताने दापोडे या दोन संघांमध्ये टॉस केला जाईल। स्क्रीन पर देखिए हमारे प्रीतम जी, देखिए और ये चलिए हमारे स्क्रीन पर देख सकते हो छत्रपति शिवाजी महाराज, बहुत बढ़िया देखिए जिन्होंने राज आज महाराष्ट्र में नहीं हमारे हिंदुस्तान में करते हुए। इसलिए तो कहते ना, काम ऐसे कर जाओ कि नाम बन जाए और काम ऐसे कर जाओ कि सबके दिल में बस जाए। और यहाँ पर वही चीज देखने को मिला, स्कोर की बात करेंगे। यस बाबूशाह, आपण खूप चांगला उल्लेख केला, छत्रपति शिवाजी महाराज 1630 साली जन्म झाला आणि वय वर्ष 1645 मध्ये हिंदवी स्वराज्य स्थापन करण्याची शपथ ज्यांनी घेतली रायरेश्वराच्या मंदिरात वय वर्ष 16। आणि आज मात्र 16 वर्षी आपली मुलं जी आहेत ती पबजी खेळतात। 35 के टार्गेट है, टॉच बॉक्स पर चलते हैं यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर गौली सर बात करेंगे ना, टारगेट कितनी है भाई? 35 रनों की टारगेट है। और सुभाष सर मैं हमेशा कहता हूँ
छोटा सा टारगेट को बचाना जैसे सांप के मुंह से मेंढक को बचाना। लेकिन आजकल हमें वो नजारा देखने को नहीं मिलता है, बचपन में जो देखते थे सांप मेंढक को पकड़ा करते थे, क्यों आजकल देखने को मिलेगा? क्योंकि आजकल इंसान इंसान को डस रहा है, सांप कोने में बैठ के हंस रहा है। और यहां से देखिए वही हालत है, 35 की टारगेट। सुभाष सर थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लीजिए, 36 शायद इशारा हो रहा है, देख लीजिए थोड़ा सा एक बार, हर उबर कैलकुलेशन कर लीजिए। मैंने 35 की बात किया था, अगर वहाँ तक भी पहुँच जाए तो इस टीम के अंदर गेंदबाजी की ताकत है, स्ट्रेन है गेंदबाजी। और लगभग देखिए एक लो फाइटिंग टोटल, राहुल भूर सर जुड़ेंगे निश्चित रूप से यहाँ पर है। और देखते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन आ रहा है यहाँ पर क्या टारगेट, 35। चलिए यहाँ पर फिर से स्कोर बोर्ड बता रहे हैं कि 34 बनाए हैं, 35 की जरूरत है। पहला ओवर में 4 रन, सेकेंड ओवर 5 रन, उसके बाद देखिए बात करेंगे तीसरा ओवर में 7 और चौथा ओवर में 13, अंतिम ओवर थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देखिए। यस, दोनों कैप्टन ने थोड़ा सा संपर्क साधायचा आहे, बिल्कुल यहाँ पर बहुत बढ़िया कैलकुलेशन। 35 बना है, 36 की जरूरत है, माफी चाहेंगे थोड़ा सा गोली सर, क्योंकि थोड़ा सा स्कोरिंग में हमें यहाँ पर मिस्टेक होता है। 35 बना है, 36 का यहाँ पर टारगेट है। चलेंगे यहाँ पर राहुल सर और उनके साथ साथ डॉक्टर गोली सर की तरफ जुड़ेंगे यहाँ पर, यहाँ पर टॉच बॉक्स पर। मराठा जो शेवटचा सामना है दापोडे आणि आरडी ओळी, हा आज मत होणार नाही आहे, पेंडिंग असणार आहे, यानंतर सूचना मिळाल्यानंतर ही मॅच होईल। ऑर्गनाइजिंग कमिटीची सूचना आमच्यापर्यंत आलेली आहे, केतन दादा थरे यांच्याकडनं सूचना आलेली आहे आमच्यापर्यंत, म्हणजे हा सामना जो असेल हा शेवटचा सामना, आणि यासाठी सज्ज होतील समराज्य कक्षामध्ये राहुल भोईर। थैंक यू सो मच आमचे मार्गदर्शक मोरेश्वर गवरी सर। तो चला आपण लगेच करूया सामन्याला सुरुवात। पुन्हा नक्कीच सर्वांचं स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत आहे। अप्रतिमानी दर्जेदार टेनिस बॉल विश्वातील सर्वात मोठी एक क्रिकेट टूर्नामेंट आपण एन्जॉय करतोय। यस, आमचे लाईट मॅन मित्र तो चला आपण या दरम्यान सामन्याला करायची सुरुवात। राउंड विकेटनं पहिला चिंडवा दरम्यानचा आपण बघतो, फुलर लेन्स होता, थोडीशी खराब फिल्डिंग झाली आहे, अगोदरच धावा कमी आहेत, आणि इथनं जर अशी फिल्डिंग केली तर मात्र मॅच जिंकता येणार नाही, खराब फिल्डिंग होत असताना। दोन सलामीवीर फलंदाज मैदानाशातमध्ये दानिव टीमच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। विश्वनाथ जाधव सोबत आलाय सलामीसाठी, अफिज अफिजनं चांगली बॅटिंग केली होती मागच्या मॅचमध्ये। इनसाइड आउट फटका काय आहे, टायमिंग काय, बेमिस आला आहे, आणि हा खेळाडू मात्र खासम खास आहे, व्हेरी गुड शॉट, अप्रतिम दर्जेदार सिक्सर। ग्रेट शॉट, फटका काय होता, टायमिंग किती चांगलं होतं,
सोप नहीं है एक वेगवान गोलंदाजाला मात्र हा फटका खेलना इनसाइड आउट चेंडू मात्र स्ट्राइकवर बाउंड्री लाइन बाहर अच्छा रात्रीतील आज सर्वात चांगला फटका विश्वनाथ जाधव मोठं नाव है टेनिस बॉल क्रिकेट च हा भरपूर मोठं नाव है नेक्स्ट बॉल फुल टॉस है समोर खेळले बैक टू द बॉलर हिट अजून एक चांगला शॉट है आणि तिथे आयवा जेल पकड़ला है आणि आयवा जेल साठी नक्कीच आमच्या स्पर्धेचे लाडके आयोजक सन्माननीय नक्कीच तरी साहेबान कडून पारितोषिक है अच्छा नक्की जेल नहीं है हरकत नहीं है मत बघा हा जल्लो शब्दाला पाहायला मिळतोय अजून एक सिंगल सिंगल मदतीने संघाचे धाव संख्या एक ने जाते स्कोरिंग गुण आपल्याला पाहायला मिळतो दरम्यान 15 आकड्यावरती धाव फलक आहे विजयासाठी या मॅच मध्ये आपण टार्गेट बघतो 36 टार्गेट आहे आणि 15 धावा स्कोर बोर्ड वरती आहेत कीर्तनजी तरे साहेब सातत्याने लक्ष ठेवून आहेत स्पर्धेवरती प्रत्येकी गोष्ट जाणीवपूर्वक बघितली जाते आवेचा हा चेंडू चांगला होता लेग लांच करण्याचा प्रयत्न ओव्हर थ्रो आणि इतना काही धावा अजून मिळतील चुका होत असताना इलेव्हन मांडा टीम कडनं एकदा विज्ञान मिळेल एका धावेच्या मदतीने संघाचे धाव संख्या एक ने जाते पुढे स्कोर 16 आकड्यावरती 16 इन अ बोट 16 धावा स्कोर बोर्डवरती षटका दरम्यानचा मार्गस्थ असताना पहिला टार्गेट मोठं नाही राऊंड विकेटनं एज लागली होती अजून एक चूक झाली आता बॉलरनं करावा तर काय करावा जगन पाटील प्रयत्न करतायत तर पहिल्या षटकाचा खेळ संपला पहिल्या षटकाच्या अखेरीस एकूण संघाचे धाव संख्या मला अल्पेश माहिती देत असताना 17 धावा स्कोर बरोबर थोडासा वेळ कमी घ्या आपण लगेचच फिल्डिंग लावून घ्यायची उद्या देखील वेळेवरती दरम्यान शेड्यूल सुरू होणार आहे देखील गोष्टी चिनवून घ्यावी उद्या देखील आपल्याला चांगल्या चांगल्या मॅचेस राष्ट्रवादी चषकाच्या माध्यमातून पाहायला मिळतील उद्याचा 5वा दिवस आणि उद्या देखील अप्रतिमानी दर्जेदार संघ आपल्याला इन ॲक्शनमध्ये पाहायला मिळणार आहेत रिवर्सच्या माध्यमातून खेळलेत पुन्हा एकदा खराब फिल्डिंग झाली आणि त्याचा फायदा होत असताना विश्वनाथ जाधवला नशिबाचा 4 धावा सुद्धा रेग्युलर क्रिकेट मधून आपल्याला पहिली मॅच पाहायला मिळणार आहे खराडी संघ असणार आहे आणि त्यांच्या अगेन्स्ट प्रशांत स्मृती दिगोडे जय भोलेनाथ आमनेपाड आणि त्यांच्या अगेन्स्ट जरीमध्ये क्रिकेट संघ अलीमगर त्याच्यानंतर आपल्याला ग्रुप जीमधून आपल्याला सामना पाहायला मिळणार आहे वडाफोन वहाळ आणि त्यांच्या अगेन्स्ट परी 11 रांदोली संघ असेल चांगल्या चांगल्या आहेत आपल्याला नक्की सुद्याच्या देखील दिवसामध्ये पाहायला मिळणार आहेत काजल स्पोर्ट्स पूर्णा 511 सदवली अशा नक्कीच चांगल्या टीम इन ॲक्शनमध्ये असणार आहेत अप्रतिमानी दर्जेदार ही संकल्पना आपल्याला पाहायला मिळते ग्रुप वाईज सामने असणार आहेत टॉप एज लागते फटका वेत कळत मिस टायमिंग शॉट जेलची संधी तिथे माझा जेल पकडला गेला पहिला धक्का लागत असताना या दरम्यान धानिव टीमला फलंदाज बाद
दिले पण थानी टीमचा आतापर्यंत आपल्याला भरपूर चांगला खेळ पाहायला मिळाला. पहिला धक्का लागतो नवी बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये जय विश्वकर्मा. हा देखील एक अप्रतिम खेळाडू आहे. विश्वनाथ जाधव साकिंग यांना सज्ज खेळण्यासाठी. नेक्स्ट बॉल अप्रतिम शॉट. काय फटका होता, बेमिसाल टायमिंग होता. अक्षरशः फेकून दिला चेंडूला लॉन्ग लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. धमाका दे धनादन राष्ट्रवादी षटकार. ग्रेट बॅटिंग, जबरदस्त बॅटिंग बाला मी आपल्याला विश्वनाथ जाधवची. अजून एक स्टँड हँड डिलिव्हर. हा देखील चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. व्हेरी गुड बॅटिंग विश्वनाथ जाधवचा जळवा मैदानाच्या आतमध्ये. वन मोर विकेट सिक्स. पालघर ठाणू परिसरातील नक्कीच हा नामवंत खेळाडू का आहे त्याची ओळख करून देत असताना महाराष्ट्रभर राज्यभर मात्र हा खेळाडू खेळत असतो. आज राष्ट्रवादी चषक गाजवतोय. दोन धावेची गरज. हेलिकॉप्टर शॉट या दरम्यान खेळायचं होतं. चेंडूना बॅटचा संपर्क एवढा चांगला झाला नाही. एक धाव तर इथं मिळते. स्कोर लेवल होती या धावा ऐकून स्कोरबोर्डवरती 35. विजयासाठी फक्त आणि फक्त एका धावीची अजूनही गरज आहे मॅचमध्ये. चला फिल्डिंग लगेचच लावून घ्या. एका धावीची गरज आणि हा फटका हवेत खेळले. तिथे कोणीही फिल्डर देखील उपस्थित नाहीयेत. आता फिल्डर तिथे पोहोचलेत आणि धाव मात्र कम्प्लीट झाली नाहीये. एक बनवायचे विश्वनाथ. एक धाव सहजरित्या धावून कम्प्लीट होऊ शकली असती. विश्वनाथला म्हटलं की हा चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जाईल. आणि हेलिकॉप्टर शॉट, हेलिकॉप्टर शॉट. हा देखील चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. आणि प्रीतम मडवीने मात्र 500 रुपये गमावलेत पुन्हा एकदा. आणि अशा प्रकारे हा सामना मात्र जिंकला आहे. अभिनंदन टीम वेद 11 दानियू, हार्ड लक भूमी 11 मांडा, हार्ड लक भरपूर चांगल्या दरम्यान प्रयत्न तुमचा देखील राहिला. तर आपण लगेचच वेळ न घेता देऊया मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. बाल्या मामाच गाज तयनाव, आमचे मामाच गाज तयनाव, बाल्या मामाच गाज तयनाव, आमचे मामाच गाज तयनाव. तर विश्वनाथ जाधव या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. प्रतिम आणि दर्जेदार खेळ या देखील मॅचमध्ये केला. 40 धावा त्यांना नॉट आउट बनवल्या. बॉलिंग करत असताना चांगली बॉलिंग केली आणि पुन्हा एकदा नक्कीच हा सामना आपल्या हाती एकतर्फी जिंकला. मॅन ऑफ द मॅच आपण देणार आहोत लगेचच पवार द पॉवर. या टॉस बॉक्समध्ये अर्थातच